आज की हमारी इस क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैसेज बॉक्स ऑटोमेशंस के बारे में। इसलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा कि मैसेज बॉक्स ऑटोमेशंस किस तरीके से मैं करता। जैसे कि आप पॉपअप आता है मैसेज बॉक्स का, आपने देखा देखा होगा मुझे कि मैं सिंपल सा डेवलपर टैब में जाता हूँ और यहाँ इंसर्ट करता हूँ मॉड्यूल्स को। अब मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे MSG बॉक्स कर देता हूँ, MSG बॉक्स, और यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ हाय। अगली मैसेज लिखना चाहता हूँ लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको इस तरह का मैसेज दिखता है, लेकिन मुझे इसमें एक सेंटेंस लिखना है, एक लाइन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि नेम और मैं एक टैग की तरह करता हूं, नेम नेम सिटी ना। देखिए इससे पहले मैं हेडिंग भी देना चाहता हूं। तो इस चीजों के लिए हम यहाँ पे कंटेंट बनाते हैं कि डी इक्वल टू मैं लिखूंगा, डी के एक स्ट्रिंग दे देता हूं कि डिम, और डी इक्वल टू प्लीज बिलो योर डिटेल्स। और मैं यहां से लाइन ब्रेक करना चाहता हूं, तो डी इक्वल टू डी के साथ या वीवी न्यू लाइन, और फिर डी इक्वल टू डी के साथ हम मान लिखते हैं ये आपका नेम, और इसके साथ कॉन्करेंट करते हैं वीवी टैब। तो एक टैब फॉर्मेट में आएगा, सही फॉर्मेट में आएगा, और यहाँ पे आपका हो जाता है नेम रिविट है, और यहाँ पे हो जाता है अमाउंट। अब मैं यहाँ पे इसको डी करूंगा तो आप देखेंगे कि एक सही फॉर्मेट में आएगा। यहाँ देखिए सीटी अमाउंट के बीच में गैप नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैंने वीवी टैब नहीं लगाया, तो सही लिखिएगा। आ गया सही। अब मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे पूजा लिखा है, दिल्ली लिखा है, और यहाँ मैं मान फैमिली लिखा है, तो मुझे इसको शो करना है इसके नीचे। तो डी इक्वल टू डी के साथ मैं वीवी न्यू लाइन को शो करूंगा, फिर डी के साथ हम कंसीडर करेंगे एंड क्या है ए वन बी वन सी वन करेंगे। तो यहाँ देंगे ए वन, ए वन में हमने दे दिया, ए वन में दे दिया ए वन डॉट वैल्यू, 10% में देते हैं वी वी टैग, फिर 10% रेंज वी वन डॉट वैल्यू, और फिर एंड बी वन होगा सी वन ना। आप इसको रन करेंगे तो एक फॉर्मेट दिखेगा। अच्छा दिल्ली के बाद हमने टैब नहीं लगाया ना, ठीक। हाँ यहाँ पे टैब नहीं लगाया, टैब।
टैब लगाने का सही फॉर्मेट में नहीं आया, अब मैंने इसको टैब लगा दीजिए। देखिए नेम के नीचे सिटी है, नेम है, सिटी के नीचे सिटी है और अमाउंट के नीचे अमाउंट। क्लियर है आप लोगों को ये? तो जैसे कि आप कुछ फॉर्म भर रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो पूरी रिजल्ट को आप मैसेज में देके कंफर्म कराना चाहते हैं तो उस केस में हम इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर पूरी की पूरी रेंज को कैसे लाया जाए। जैसे कि हमने एक डेटा यहां दे दिया, मुझे इस पूरी डेटा को यूजर फॉर्म पे लाना है, तो हमने देखा कि इसमें रो 20 है और कॉलम कितने हैं, इसलिए कॉलम है आपके सामने 7। तो मैं एक मैक्रो बनाता हूँ, सब आर नहीं होगा, वायर वन होगा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ताकि फोर आई इक्वल टू चले 1 to 20 और 4 जे आई हमने रो के लिए कर लिया 1 to 6 7 7 7। नेक्स्ट ए और फिर नेक्स्ट आई और ऊपर हम एक वेरिएबल लेते हैं डिम एम एज ए एम फॉर मैसेज और यहां हम देते हैं एम इक्वल टू एम के साथ कोलकाता नेट होगा वीवी टैग और फिर यहां आएगा सेल। सेल में हम यहां देंगे आई कॉमा जे डॉट वैल्यू और नीचे हो जाएगा एम इक्वल टू एम के साथ होगा न्यू लाइन क्योंकि रो के लिए है देना पड़ेगा ना, इसे वीवी देना पड़ता है, स्पेस देना पड़ेगा। ओके तो ये क्या होगा कि एक बार ये पूरा इस तरह से चले, इस तरह से पूरा चलेगा, टाइप के साथ कंबाइन कर देगा, रोज से अपना नंबर चेंज करेगा तो फिर इन दोनों को लाइन के साथ जोड़ देगा, एक फॉर्मेट में आ जाएगा, फिर एम एस जी बॉक्स और इसमें हमने एम दे दिया। फिर करेंगे देखिए जैसा जिस तरह से इस फॉर्मेट में है सेम 34 से स्टार्ट है 15 फिर 88 से 69 सेम फॉर्मेट में दिख रहा है। तो प्रकाश जी डाउट इसमें? हेलो जी सर, तो डाउट इसमें नहीं सर। चलिए अब हम बात करते हैं मैसेज बॉक्स में अपने खुद के बटन्स कैसे दिए। जैसे हमने हम यहाँ पे लिखे डी इक्वल टू एम एस जी बॉक्स, अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट मतलब कि डायरेक्टरी क्या है, मतलब क्या मैसेज दिखना चाहिए, तो प्लीज यहाँ पे डू यू वांट टू सेव फाइल, ये हो गया जो मैसेज डिस्प्ले होगा। उसके बाद बटन जनरली आपका ओके और कैंसिल होता है, लेकिन मैं यस एंड नो देना चाहता हूं तो यहां से आप दे सकते हैं यस एंड नो, जैसे कि मैंने दे दिया यस एंड नो। फिर टाइटल क्या होना चाहिए, तो हमने यहां पे लिख दिया प्लीज कन्फर्म, प्लीज कन्फर्म और ब्रैकेट को क्लोज किया। तो आप अब देखेंगे यहां पे जैसे प्ले होगा, प्ले होते आपके सामने आएगा, देखिए प्लीज कन्फर्म टाइटल हुआ, डिवाइस टू सेव हमने फाइल दिया, यस एंड नो दो बटन होंगे। अगर मैं नो पे क्लिक करूंगा तो डी के ऊपर वीवी नो स्टोर होगा, यस पे क्लिक करूंगा तो डी के ऊपर वीवी यस स्टोर होगा।
अब उसको बिहाफ पे लेते हुए कंडीशंस में हम बोलेंगे कि d इक्वल टू dvs देन आईडी हो जाएगी इसका मतलब देन बोलेंगे इफ वर्ड और फिर यहां पर इस तरह से हम कंडीशंस लेंगे और उसको रिप्लाई करेंगे। तो अब मैं यस पे क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल को सेव करेगा, नो पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं इसके सामने कुछ बीप बज रहा है, इसमें कुछ मैसेज आया। देखिए इसमें जैसे कि आपने बीवी नो है, बीवी नो में यस नो पे प्लस कीजिए। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले देख लिया बीवी क्रिटिकल। बीवी क्रिटिकल में क्या होगा, जब ये होगा साउंड आएगा और इस तरह की क्रॉस का निशान आए। अगर मैं वीवी क्रिटिकल के जगह पे वीवी क्वेश्चंस कर दूं, वीवी नीचे आएंगे आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन दे ली है, इंफॉर्मेशन करता हूं, इंफॉर्मेशन में क्या होगा, आई का बटन आएगा। फिर मैं इंफॉर्मेशन के जगह पे एक था आपका एक्सप्लेनेशन, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इस तरह का एक्सप्लेनेशन मार्क आता है। उसी तरह से मैं यहाँ पे वीवी क्वेश्चंस है, अगर इसमें वीवी क्वेश्चंस कर दूं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के सैंपल दिखेंगे और उसका साउंड दिखेगा। तो प्लस तो ये आपका बटन हो गया, बटन के साथ और सैंपल चाहिए तो बीवी क्वेश्चंस, बीवी क्रिटिकल्स, बीवी इंफॉर्मेशन, बीवी एक्सप्लेनेशन, ऐसे बटन्स का स्टाइल आप दे सकते, ठीक है। इसका यूज आप लोग जैसे माइक्रो रन कर रहे हैं तो रन करते समय आप ये पूछना चाहते हैं, जैसे कोई माइक्रो आपने बनाया आप उसके बाद जैसे इसी कोई माइक्रो बनाया उससे रन करना चाहते हैं, जैसे इसी की बात करें तो गलती से रन हो जाता है, क्योंकि बटन बनाया है तो गलती से बटन पे क्लिक हो गया, तो आप कन्फर्म करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा डी एम एस जी बॉक्स दिया, डू यू वांट टू डू यू वांट टू रन उसके बाद इसमें बटन यस एंड नो प्लस क्रिटिकल। टाइटल देना है तो टाइटल दे सकते हो, नहीं तो जरूरी नहीं है। उसके बाद यह होगा कि इफ डी इक्वल टू वी वी नो दैट आगे का बढ़ेगी। जैसे मैं इसको प्ले, अगर मैंने नो पे क्लिक किया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही प्ले किया यस पे क्लिक किया तो हमारा मैक्रो परफॉर्म होगा और मुझे रिजल्ट देगा। क्लियर है? तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मैंने इसकी 4-5 एग्जांपल आपको दिए, आप मुझे इसके भी 4-5 एग्जांपल बना के दीजिए, ठीक है।